तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें पार्ट बी को। इससे पहले के पार्ट अपलोड है, कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख सकते हो। साथ में डीओई ने जो भी रिवीजन करवाया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, पर डे एक क्वेश्चन आपको रिवीजन में मिलता था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे मिड टर्म के लिए अपलोड हैं, कमेंट में लिंक पेस्ट है, वो भी देख सकते हो। साथ में सीबीएसई ने जो प्रैक्टिस पेपर यानी सैंपल पेपर प्रोवाइड किया था उसका भी सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में अपलोड है, देख सकते हो, कमेंट में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, एक डैश बहुपद में केवल एक शून्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल करना रैखिक। क्लियर है, आगे देखो। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में एबी बटे डीई बराबर है बीसी बटे एफडी, तो त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो देखो, कॉमन देखो, ध्यान से समझना। ऊपर ए बी है, इधर बी सी है, कॉमन क्या निकला, बी, तो यहाँ पर लिख लो एंगल बी हो गया। नीचे देखो ध्यान से, डी ई है, इधर एफ डी है, कॉमन क्या है, डी, तो ये बराबर होगा एंगल डी के, ये आपका आंसर है, कॉमन निकाल लो, हो गया एक नंबर का। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक, आगे देखो। तीसरा, ए का मान जिसके लिए तीन ए, तीन कोमा ए, ठीक है, दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर पाँच पर स्थित है। सॉल्यूशन देखो, तो ये आपका हो जाता है एक्स और ये वाई। अब ये इक्वेशन लिख लो क्या है, दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर पाँच, तो दो पे दो, एक्स पर आपको तीन रखना है, माइनस तीन पे तीन, वाई पर ए रखना है, बराबर पाँच। ठीक है, ऊपर से आपको ध्यान देना, एक्स पर तीन, वाई पर ए, दो तीन छः, माइनस तीन ए बराबर पाँच, तो माइनस तीन ए बराबर पाँच, और ये प्लस छः इधर आएगा, माइनस छः। ठीक है, तो आगे इधर देख लो, माइनस तीन ए बराबर छः में से पाँच जाएगा एक, माइनस एक आएगा, माइनस माइनस कट हो गया, तो ए बराबर आ जाएगा एक बटे तीन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बटे तीन, क्लियर है। अगला देखो, ऊपरी सीमा पर निचली सीमा का अंतर है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है वर्ग चिन्ह। ठीक है, ये आएगा, ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर वर्ग चिन्ह है। ओके, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 22, सही या गलत बताइए। पहला, यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में हैं, समान अनुपात में हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, अगला, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बीस का एक शून्यक माइनस चार है, तो सोल्व कर लो, एक्स पर माइनस चार रख लो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बीस बराबर किसके, जीरो के, तो सोल्व करने पर अगर जीरो आएगा तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। एक्स पर क्या रखना है, माइनस चार स्क्वायर, फिर माइनस चार प्लस बीस,
बराबर ज़ीरो, ये प्लस का हो जाएगा 16, ये प्लस 4 प्लस 20 बराबर ज़ीरो, 16 4 20 प्लस 20 बराबर ज़ीरो, तो 40 बराबर ज़ीरो, जो कि बराबर नहीं है। तो क्या हो गया ये, आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, अगला, सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये ट्रू। ठीक है, आगे, रैखिक समीकरणों के एक संगत युग्म का आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं या संपाती रेखाएं होगा, ये भी ट्रू है। ओके, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ से आप थोड़ा अच्छे समझना, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, बट ये तीन तीन चार चार नंबर वाले क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक जिसमें रेखा 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 बिंदुओं 1.3 और 2.7 को मिलाने वाले रेखा खंड को विभाजित करती है। आंसर देखो, तो ये आंसर नंबर 23 है, ये हमारा ए बिंदु हो गया और ये बी, ए है 1.3, बी है 2.7, मध्य बिंदु पी हो गया। माना अनुपात के एक है, तो के अनुपात एक, के एम वन हो गया, एक एम टू। ठीक है, आगे देखो, एक एक्स वन है, दो एक्स टू, तीन वाई वन है, 7 वाई टू है। ठीक है, तो माना अनुपात के अनुपात एक, माना वांछित बिंदु P है, रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये x के लिए है, तो क्या फॉर्मूला है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे में एम वन प्लस एम टू, ये वाई के लिए, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे में एम वन प्लस एम टू। इसमें चेंजिंग क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्स टू आता है, यहाँ पर वाई टू, यहाँ पर एक्स वन, यहाँ पर वाई वन, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू रखो, एम वन के गुणे एक्स टू दो प्लस एम टू एक गुणे एक्स वन एक, ठीक है, बटे में एम वन प्लस एम टू के प्लस एक, सेम ऐसे वाई की वैल्यू रख देंगे, एम वन के वाई टू 7 है प्लस प्लस एम टू, एम टू आपका क्या है, एक वाई वन 3, और फिर बटे में एम वन प्लस एम टू के प्लस एक नीचे आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, के को 2 से किया, 2 के प्लस एक एकम एक, नीचे के प्लस एक सेम आ गया, ये एक्स के लिए वाई के लिए, के को 7 से किया, 7 के प्लस 3 एकम 3 बटे के प्लस एक नीचे सेम आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये एक्स आया और ये वाई आया है। ठीक है, आगे देखो, तो ये आपका x आ गया और ये y, इक्वेशन क्या दिए थे, 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0, यही दिए थे ना, तो 3 पर 3 x पर ये रखना आपको, 2 के प्लस 1 बटे में k प्लस 1 प्लस पे प्लस, y पर y 7 के प्लस 3 बटे में k प्लस 1 रख दिया, माइनस 9 पर माइनस 9 बराबर पर बराबर 0 पर 0। ठीक है, यहाँ पर x पर ये रख दिया गया, y पर ये रख दिया गया, बाकी सब कुछ सेम नंबर वैसे लिख दिया गया। आगे देखो, ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3 को 2 से किया 6 और 3 एकम 3 आ गया, बटे में फिर से 6 के प्लस 1 प्लस सेम लिखा गया, 7 के प्लस 3 बटे में के प्लस 1 माइनस 9 बराबर 0 सेम लिखा गया। आगे देखो,
इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, तो इसमें हर सेम है, के प्लस एक, के प्लस एक, एक बार लिख दिया गया, ऊपर का नंबर डायरेक्ट जोड़ लेंगे, 6k+3 प्लस 7k+3 लिख दिया गया, और नीचे एक बार लिख दिया गया, ठीक है। फिर -9/1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। आगे अब इन दोनों को माइनस करेंगे, भिन्नों का घटा होगा, तो के 6k+3 प्लस 7k+3 का 1 से गुणा करेंगे सेम आएगा, फिर माइनस पे माइनस, 9 को के प्लस 1 से गुणा करेंगे सेम ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया गया, बराबर 0 लिख दिया गया। 6k 7k 13k हो गया 3, यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, ठीक है ना, प्लस था ऊपर, प्लस 3 है ना, यहाँ पर गलती से माइनस लगा, प्लस लगा लो, तो ये 6k 7k 13k +3 6k। और देखो इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को, माइनस पे माइनस है, 9 को कैसे किया 9 के, और प्लस माइनस प्लस माइनस, 9 एकम 9, ये आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, ऊपर प्लस है नीचे प्लस नहीं लिखा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 13 के में से 9 के घटाएंगे 4 के आएगा, कितना 4 के, और प्लस 6 है माइनस 9 है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 जाएगा 3, निशान बड़े का लगेगा माइनस का, तो 4k-3 = 0, तो 4k = -3 इधर आएगा +3, तो k = 3/4, तो अनुपात जो बनेगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है ध्यान रखना, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, एक नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन किया गया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में दिए गए आंकड़ों का माध्यक 27.5 है, एक्स का मान है, ये जो नंबर लिखे हैं ये आरोही क्रम में है, इसका आंसर देखो, आंसर नंबर 24, तो सबसे पहले एन काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया, ये एक साथ है, ठीक है ना, x प्लस 2 एक ही है, x प्लस 3 एक ही है, नहीं तो अलग अलग समझो, तो माध्यक निकालना है, माध्यक का फॉर्मूला n+1/2 वहाँ पद, ये ध्यान रखना फॉर्मूला है, माध्यक क्वेश्चन में दिया 27.5 लिख लिया, n पर 8+1/2 वहाँ पद किया, 2 से 8 को कट करेंगे 4 आएगा, तो 4 पे 4, और 4 में जब प्लस 1 होगा तो 5 हो जाएगा, 4+5 हो जाएगा, ठीक है, फिर से समझ लो, यहाँ पर 2 से 8 को कट करेंगे 4 आएगा, तो 4 लिख दिया गया, प्लस पे प्लस, और 4 में जब 1 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा, 4+5, ठीक है ना, 2/2 वहाँ पद, अब वहाँ पद की वैल्यू रखना है, तो 27.5 ठीक है, 4 चौथे नंबर पर क्या है, 1, 2, 3, 4, x प्लस 2 आ गया, फिर पांचवा पद, पांचवे पर क्या है, x प्लस 3 आ गया, ठीक है ना, इसकी वैल्यू रख दी गई, 2/2 वहाँ पद हट गया, क्योंकि वहाँ पद का मान रख दिया गया, ठीक है। आगे 27.5 सेम, एक्स एक्स 2x 3 2 5 जुड़ गया, 2/2, ठीक है। आगे 1/2 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x का 5 से होगा यही आएगा, 27.5 का 2 से गुणा हो जाएगा इधर, तो ये 2x+5 = 55 आ जाएगा गुणा करने पर, ठीक है, तो 2x+5 इधर आएगा -5, 2x = 5 × 50, तो x बराबर 1/2 में आ जाएगा 2, और भाग करेंगे 50 में 2 से 25 आ जाएगा, ठीक है, तो x का मान 25 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य, आंसर देखो अथवा का, तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से और खुद से ही कटती हैं और किसी नंबर से कटती नहीं है, तो कौन कौन सी हैं, 2, एक नहीं है, एक ध्यान रखना, एक मत काउंट करना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, वो ना अभाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 7 हो गई ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग 2/प्रेक्षणों की संख्या, चाहो तो फॉर्मूला आप लिख देना, नहीं लिखना है तो 2+3+5+7+11+13+17 ऊपर लिखना है, और टोटल
प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितने पद हैं, टर्म कितने हैं, नंबर कितने हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नीचे, ठीक है। ऊपर का टोटल करोगे 58/7 भाग करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, अथवा का आंसर हो गया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है, 3750 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, इसका आंसर देखो। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 3750 पहले 2 से कट करेंगे 1875 आएगा, फिर 5 से कट करेंगे 375, फिर 5 से 75, फिर 5 से 15, 3 से कटेगा 3 5 15, 5 1 5। अब काउंट करो, 3750 बराबर 2 कितनी बार आया है, एक बार लिखा, 3 एक बार, 5 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार, 5 की पावर 4, यही आपका आंसर हो गया। ध्यान रखना, जो एलसीएम जब हम इसका निकालते हैं तो नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... ऐसे ही इन्हीं नंबर से हम कट करते हैं, इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं अगर उससे कट करोगे तो आपका सवाल स्टार्टिंग में ही गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 26, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है, आंसर देखो। आंसर नंबर 26 है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना दे रखे हैं, 0, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या निकल रहे हैं, बराबर। तो अब पाई चार्ट वैल्यू में देखोगे ना तो दोनों बराबर कहाँ पर आते हैं, तो साइन 45 कोस 45 जो है ध्यान रखना वहीं पर ये दोनों बराबर आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना थीटा का मान 45 डिग्री वहीं पर बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका थीटा कितना आ जाएगा, 45, क्लियर है। अगला देखो, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि यदि k प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर a, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a और उसके बाद में 1 माइनस साइन a, तो k का मान ज्ञात कीजिए, हमें k का मान निकालना है, आंसर देखो इसका। तो ध्यान से समझो, हमने यहाँ पर लिखा k प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर a, ठीक है, और यहाँ पर ये sec स्क्वायर a हो गया, 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है, तो मतलब ये इस रूप में a प्लस बी ए माइनस बी, ये बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा, ठीक है ना, इन दोनों को, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसके आगे ध्यान रखना, ये एक माइनस साइन स्क्वायर ए, एक माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के, ठीक है, इसके बराबर होता है, तो यहाँ पर हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसकी जगह, ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे क्या करोगे, ये मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिख नहीं पाऊँगा मैं, तो यहाँ पर k प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर a, और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a के, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान में रखना, cos स्क्वायर a ये बराबर होता है 1/ sec स्क्वायर a के, ये इसके बराबर होता है, ये भी कहीं नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं, ठीक है ना, cos स्क्वायर पर ये रख सकते हैं, ठीक है, 1/ sec स्क्वायर a, ये ध्यान में रखना, मिटा रहा हूँ इसको। तो फिर k प्लस 1 बराबर ये है sec स्क्वायर a, यहाँ गुणे का निशान आएगा, और यहाँ पर रख सकते हैं 1/ sec स्क्वायर a, ठीक है ना। अब sec स्क्वायर sec
स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, के प्लस एक बराबर एक, एक बचा तो के बराबर एक माइनस एक इधर आएगा, तो मतलब कि आपको मिल रहा है के बराबर ज़ीरो, ठीक है। के बराबर क्या मिल रहा है, ज़ीरो, यही आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 27 है, पी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म 5x प्लस के वाई बराबर 3 और 15x प्लस 21y बराबर 6 का कोई हल नहीं है। आंसर देखो, तो आंसर नंबर 27 में सबसे पहले चेक करो कि दोनों इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में हैं, तो मतलब x पर x है, y पर y है, बराबर पर बराबर, 3 पर 3, मतलब करेक्ट फॉर्म में हैं। तो ये आपका a1 हो गया, 5 a1 है, 15 a2 है, b1 के है, b2 21 है, c1 3 है, c2 6 है, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो कोई हल नहीं है। इसके लिए ये कंडीशन होती है, इसको लिख लो, a1 पर a1 5/15, a2 15, b1/b2 तो b1 क्या है, k/21, नॉट इक्वल टू c1/c2 3/6, इसकी वैल्यू रख दी गई, ठीक है ना। यहाँ से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। k का 1500 होगा, 15 × k, फिर 5 × 21 होगा, तो k बराबर 5 × 21/15, कट करेंगे, 5 × 5 = 15, फिर 3 × 3 = 21, के कितना गया 7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 6 का कैसे होगा, 6 के बराबर नहीं है इसके, 3 × 21 के, ठीक है ना, इसका इससे हो जाएगा 3 × 21 से, तो के 6 नीचे आ जाएगा, कट करेंगे तो 3 × 3 3 × 6 = 21/2 आ जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन निकलेगी इसकी, ठीक है। आगे देखो, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर -5 और x माइनस के वाई बराबर 2 का एक अद्वितीय हल है। इसका आंसर देखो, तो इसमें भी सबसे पहले देखेंगे कि जो इक्वेशन है, समीकरण है, राइट फॉर्म में है, तो x पर x, y पर y, बराबर पर बराबर, नंबर पर नंबर, ठीक है। तो ये हमारा a1, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2, ठीक है। a1 3, a2 1, b1 2, b2 के, c1 5, c2 2, तो एक अद्वितीय हल के लिए ये कंडीशन होती है। वैल्यू रखो, a1 पर 3/1, b1 पर 2/k, इसकी वैल्यू रख दी गई, ठीक है। ध्यान रखना, a1 a2 1 है, यहाँ पर b1 2 है, b2 k है, वैल्यू रख दी गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस k का 300 होगा, माइनस 3 के 2 × 2 आ जाएगा, ठीक है। तो k -2/-2/3 -2/3 आ जाएगा, ठीक है, मतलब k की वैल्यू जो है -2/3 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर है, अगला देखो। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ द डे में हुए हैं, आप कमेंट चेक कर लेना, तैयार कर लेना, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, आकृति में RC QB AP AC पर लंबवत है, यदि x 8 है, ये x 8 हो गया, ये कितना है 8 है, z 6 है, ये z है, ये 6 हो गया, तो y ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो कंडीशन देखो, जब एक ही रेखा पर लंब हो, ध्यान से देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो हमेशा ध्यान में रखना, ये 1/ जो y है, ये बराबर निकलेगा 1/x प्लस 1/z के, ध्यान रखना, ठीक है ना, डायरेक्ट ही समझना। ये आंसर देख लो इसका,
आंसर नंबर 28, यदि तीन रेखाएं एक ही रेखा पर लंब हो तो एक बटे वाई बराबर एक बटे एक्स प्लस एक बटे जेड के। एक्स का मान 8 दे रखा रख दिया गया, जेड का मान 6 रख दिया गया। अब भिन्नों का जमा करेंगे, ठीक है। तो एक बटे वाई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 एकम 6, 8 एकम 8 बटे नीचे नीचे से 8 6 48, मतलब 1/8 है, 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 एकम 6, 8 एकम 8 और नीचे नीचे से 8 6 48, ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो आगे जोड़ेंगे 8 6 14/48 आ गया। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको शॉर्ट टर्म में कर लो, 2 से कट करेंगे, 2 7 14, 48 को 2 से कट करेंगे तो आएगा 24, 7/24 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई को 7 किया 7 वाई 24 एकम 24, तो वाई बराबर 24/7 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इसका अथवा त्रिभुज एबीसी और एबीसी में डी समांतर बीसी, एडी बराबर बीडी 3/5 दिया है और एसी 4.8 सेंटीमीटर है, तो ए ही निकालना है। आंसर देखो इसका, आंसर नंबर 28 का और अथवा वाला दिया है डी ई समांतर बी सी, ये डी ई बी सी के समांतर है। ए सी 4.8 दिया है, पूरा दे रखा है ए सी, और ए डी दे रखा है, ए डी 3 है, ए डी पूरा इतना 3 है, फिर बी डी और बी डी इतना पूरा 5 है। तो अगर हम ए बी की बात करें, पूरा ए बी की, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, ये दिमाग में रखना। ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं यहाँ तक, ठीक है, और हमको ए ई निकालना है, समझो ध्यान से। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए डी बटे बी डी, देखो ए डी बटे बी डी, तो ए डी 3 बी डी 5 है, ठीक है। अगर हम ए डी ए बी निकालें तो समझो ध्यान से, ए डी ए बी पहले आधा देखना है, ए डी और फिर पूरा ए बी, ए डी 3 है ना, तो 3 लिख दिया गया, और ए बी पूरा 3 और ये 5 5 3 8 हो गया, ठीक है ना। इस कंडीशन के हिसाब से इस प्रकार ए डी बटे ए बी ये बराबर होगा, इसका भी आधा देखो ए ई आधा और फिर पूरा ए सी, ए सी के यहाँ पर वही लिखा गया है, ए डी बटे ए बी बराबर है ए ई बटे ए सी के, इसकी वैल्यू रख दो फटाफट, ठीक है। यहाँ पर समझना है आपको, यहीं पर गलती आप करोगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ए डी आधा फिर ए बी पूरा, तो ए डी बटे ए बी बराबर होगा इसका भी आधा, ए ई और बटे फिर पूरा ए सी के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखो फटाफट, ए डी 3 ए बी 8, ए ई का पता नहीं, ए सी दे रखा है 4.8, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए ई का गुणा 8 से होगा तो यहाँ हो जाएगा 8 ए ई, और बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 × 4.8 के, ठीक है। तो ए ई बराबर आ जाएगा 3 × 4.8 बटे के निशान नीचे 8 आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट वही लिख दिया गया है। कट करोगे तो 8 एकम 8 और 8 6 48 0.6, और जब 0.6 का 3 से गुणा करोगे तो 1.8 आ जाएगा ए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 28 का अथवा वाला हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन सी अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तब तक के लिए टेक केयर। कमेंट में लिंक पेस्ट है, ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असेसमेंट मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट क्वेश्चन ऑफ द डे और सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर, सबका सॉल्यूशन अपलोड है। आप कमेंट में आप अच्छे से चेक कर लो, देख लो, तैयार कर लो, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।